जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। इत्थे एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिता है। इस ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद भी हो गया है। दसिया गया कि आतंकवादियों तो वड्डी गिनती में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए ने। जम्मू कश्मीर पुलिस वालों ये जानकारी दी गई है। जानकारी मुताबिक इस समय कश्मीर घाटी में आतंकवादी अपने मनसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने भारतीय फौज नाकाम करन दा काम कर रही है। दसा गया कि मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादी भी इसी तरह की कोशिश विच सी। सरहद पार तो वड्डी मात्रा विच हथियार भी भेजे जा रहे ने। आज मॉर्निंग से हम लोग पूरे कश्मीर में बहुत जगह मल्टीपल नाका लगा रखे थे, तो केरी एरिया में जो कि गुलमर्ग के बहुत आसपास है, वहाँ पर पुलिस आर्मी के साथ एक चांस इनकाउंटर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था, इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। हम लोग को दुख है, लेकिन ऐसे इनकाउंटर में इस टाइप का कोलैटरल डैमेज हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सर किस आउटफिट से थे? मैंने पहले कह दिया, पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं।